बैक साइड का इतना फर्क होना चाहिए और फ्रंट साइड जो है हमने दिखा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिसेंटर। फ्रेंड, आज एक बार फिर नए वीडियो का आपके चैनल में हाजिर हैं। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा मौजू है वीडियो बनाने का, वो ये है कि अक्सर जो लोग हैं वो हमें आगे कहते हैं कि यार हमारे इधर जो है ना ये वाली जो चीज़ है ये फंस जाती है, ठीक है ना। तो तीरे की कटिंग और ये मैं बताऊँगा आपको ये किस तरीके से की जाती है ताकि ये फंसे भी ना और अच्छे तरीके से जो हमारी कटिंग आ जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो तो वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिस चीज़ की ना समझ लगे वो कमेंट्स करके पूछ लिया करें। तो ये देखें, ये फ्रंट और ये बैक जो है ना ये मैंने काटा हुआ है। ये देखें, इसका मैंने घेर उतारा हुआ है। वन साइड ये बंद साइड मेरी तरफ है और ये खुली साइड दूसरी साइड, ठीक है। सबसे पहले हमें ना इसका ये देखें, इसका जो ये वाले जो फालतू कपड़ा है हमने बराबर कर लेना है। ये देखें, तो ये घेरे वाली साइड है, हमें सबसे पहले इसको बराबर कर लेना है कपड़े को। फ्रंट और बैक ये मेरे पास है, तो इसको सबसे पहले, क्योंकि आज मौजूद में यही है तीरे का, ठीक है ना। ये तीरा जो हमने इसका है 19 इंच तीरा है, तो हमने ये 19 इंच ही रखना है, 9.5 9.5 का अगर डबल करें तो 19 इंच बन जाता है। तो हमने ये 9.5 के हिसाब से इधर निशान लगा लेना है। आपने बॉल पेन हर किसी यूज़ नहीं करनी, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वाजे करने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमने ऐसे लकीर लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये हाले का निशान लगाना है। इसका कलर है जी 17.5, हमने इसका 2.25 के ऊपर निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देखें, 2.25 इधर, 2.25 इधर, तो हमने इसका मार्किंग इसकी कर लेनी है। फिर उसके बाद इसका हमने, ये क्यों मोटा आदमी है, इसका हमें ज़्यादा डाउन नहीं रखना है, हमने इसका सिर्फ 2.25 डाउन रखना है। इसका ज़्यादा डाउन रखेंगे तो फिर ये इसके फंस जाएगा ऊपर कंधे की तरफ, तो ये मार्किंग कर लेंगे। फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ, ऊपर से बराबर इस नोक से और इधर से नीचे से 1/2 इंच बाहर की तरफ ऐसे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने अगर इधर रखा है 9.5, तो हमने इधर 1/2 इंच कम रख देना है, 9 इंच इधर से कम रख लेना है। तो इधर भी हमने ऐसे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने इस जो लाइन हमें अंदर की तरफ खींची है उधर से हमने ऐसे गुलाई कर लेनी है। गुलाई करने के बाद हमने इसकी जो छाती का निशान है 26.5 छाती है, तो हमने रखनी है 27.5। 27.5 में हमने ये निशान लगा लिया। ये देखो 27, 13.5 और ये 14.5 पे ये बनती है 27.5। फिर हमने इसका जो कंधा है मोंडा है वो चेक करना है, इसका मोंडा है 11 इंच। 11 इंच हमारे पास है या नहीं, ये हम ऐसे गुलाई में इसका हमने मोंडा चेक करना है। ये देखा परफेक्ट 11 इंच आ रहा है, फ्लैट 11 इंच आ रहा है। तो हमने ज़्यादा ये अंदर की तरफ नहीं करना ताकि ये फंसे ना, ठीक है ना। हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है ताकि ये कंधों पे फंसे ना, ज़्यादा हमने अंदर की तरफ नहीं करना। तो ये देखें, ये हमने फ्रंट और बैक को बीच में से हमने काट लिया। काटने के बाद ये हमने ऐसे हाले की कटिंग कर लेनी है। अंदर वाली लाइन के ऊपर से हमने कटिंग करनी है। ये देखें, अब बैक साइड जो है ना ये इसकी ये फ्रंट है और बैक साइड ये देख लेंगे, हमने इतनी काटनी है तकरीबन 1/2 इंच नीचे से कर लेंगे हमने। ये देखें इतनी, तो हमने फ्रंट साइड जो है हमने इसकी काटी है
19 इंच तो हमने ये बैक साइड काटनी है हमें 20 इंच, आधा इंच हमने ज़्यादा कर देनी है। ये इस हिसाब से इस तरह हमने ये इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड का इतना फ़र्क होना चाहिए और फ्रंट साइड जो है हमने इसलिए काटी है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।